जीवन में कुछ मौके ऐसे होते हैं कि कितना भी प्रयत्न किया जाए वो दोबारा नहीं आते। एक तो ये जीवन ही ऐसा है कि दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये जीवन, ये समय, ये बार बार नहीं आता। कई लोग समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि हमको दोबारा आने को मिले, परंतु ये जीवन, ये घड़ी, ये समय मनुष्य को बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ये बड़े भाग्य से मिला है। और इस समय जो हमको सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, हृदय को जो आनंद आता है वो भी बार बार नहीं मिलता। ऐसा समय, ऐसी घड़ी कि मनुष्य अपने आप को ऐसी जगह लाए जहां सत्य की चर्चा। इस संसार में पता नहीं किस किस चीज की चर्चा होती है, पर सत्य की चर्चा, सत्य की बड़ी दुर्लभ है। और बताने वाले, कई मार्ग बताने वाले, उन लोगों की कमी नहीं है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहां ढूंढना चाहिए। परंतु वो चर्चा कि तुम्हारे अंदर, हर एक एक मनुष्य के अंदर वो चीज विराजमान है, वो चीज विराजमान है जो सत्य है, और उसकी चर्चा करना, उसके बारे में, उस आनंद के बारे में, उस असली सच्चिदानंद के बारे में कुछ कहना, कुछ सुनना जो हृदय को तसल्ली देता है, जो हृदय में आनंद पैदा करता है, वो कोई और चीज पैदा नहीं करता। मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर
इतना उलझ जाता है। और एक भजन भी है जिसमें कहा है कि मकड़ी ही अपना जाला बनाती है और स्वयं अपने जाले में फंस जाती है, उसी का बनाया हुआ जाल उसी को पकड़ लेता। और किस तरीके से बनाया है मकड़ी ने जाल कि जितना वो उसमें से निकलने की कोशिश करती है वो उतना ही ज्यादा उसमें फंसती चले जाती। मनुष्य के साथ भी यही बात है कि वो जितना भी कोशिश करता है इस जाल में से निकलने की, सुख पाने की, उतना ही वो और फंसता चले जाता है। सोचने की बात है कि मनुष्य को सुख क्यों चाहिए, मनुष्य को आनंद क्यों चाहिए। साथ मिले दुख सब गए, मंगल भए शरीर। वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की व्यक्ति सुखी होना चाहता है। तो चलिए सुखी होने की बात करते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है यह आपको नहीं मालूम क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया सुख क्या है। आपने ध्यान दिया है दुख पे। उल्टी 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 गंगा है ये। ध्यान देना चाहिए सुख पे नहीं ध्यान दिया है। आप सब जीवन में दुख पे ध्यान देते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब दुख आपके दरवाजे को खटखटाता है तब आप आंखें खोलते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है। तब भगवान आता है। भगवान, उससे पहले भगवान क्या? कुछ नहीं। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे दुख से बचाओ। क्या तुम जानते हो कि इस धरती पे हर क्षण सूर्य उदय होता है? क्या तुम जानते हो? और इस पृथ्वी पे हर क्षण सूर्य अस्त होता है। पृथ्वी घूम रही है, कहीं न कहीं सूर्य उधर उग रहा है, उदय हो रहा है, और कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है। परंतु तुम्हारे को क्या है? ओ, अब सवेरा हो गया। कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। ये सारा इस पृथ्वी पे सब समय होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सूर्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य कभी
उठता नहीं है, ये तुम सिर्फ देखते हो तो कहते हो अब सूर्य उदय हो गया है। नहीं, सूर्य तो हमेशा कहीं उदय हो रहा है, कहीं अस्त हो रहा है, और जहाँ मनुष्य है वो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है अब रात हो गई, अब दिन हो गया, अब उदय हो गया, अब अस्त हो गया, परंतु ये तो सब जगह हो रहा है, एक जगह की बात नहीं, सब जगह हो रहा है, हमेशा हो रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो तो भी हो रहा है, तुम उसी चीज को देखते हो, उसी चीज को पहचानते हो, और उसी के आधार पर तुम जीना चाहते हो, परंतु सोचो क्या हो रहा है, दुख क्या है, दुख क्या है, दुख तुम्हारे अंदर है, सुख क्या है, सुख तुम्हारे अंदर है। दुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर दुख तुम्हारे अंदर है। सुख का स्रोत तुमसे बाहर हो सकता है, पर सुख तुम्हारे अंदर है। आप जरा विचार कीजिए इस बात पे। दुख बाहर से नहीं आता है, दुख बाहर से नहीं आता है। बीबी ने तो सिर्फ ये कहा, मैं तुमको तलाक दे रही हूं। वो उसने कहीं अपने जेब में हाथ रख के दुख निकाल के तुमको नहीं दिया, उसने तो सिर्फ ये कहा मैं जा रही हूं, दुख तुम्हारे अंदर है। दुख तुम अपने अंदर महसूस करोगे क्योंकि दुख तुम्हारे अंदर है। बाहर कोई कहे कुछ भी, पर दुख तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है। तो इसका तो यह मतलब हुआ कि यह संभव है, क्योंकि दुख भी तुम्हारे अंदर है और सुख भी तुम्हारे अंदर है, कि दुख का कारण तुम्हारे साथ हो, दुख का स्रोत तुम्हारे पास हो, फिर भी तुम सुखी हो सकते हो। हाँ या ना? सच्ची में हाँ? सोच रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह दी ना मैंने, कह दी ना बात, बड़ी बात हो गई ना। इसका यह मतलब है कि दुख का कोई भी कारण हो, तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका तो यह मतलब हुआ। तुम हमेशा सुखी हो, अगर तुम सचमुच में सुख को जानते, सुख क्या है, तो तुमको पता लगता कि तुम हमेशा सुखी हो सकते हो। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम सुखी हो सकते हो। मरने के बाद ना तो तुम दुखी होगे, ना तुम सुखी होगे। जो सुख और दुख का ही मैं बात कर रहा हूं, वो जीवित होते हुए ही तुम्हें अनुभव करोगे। दुख तुमको पसंद नहीं है, है नहीं है ना? सुख तुम्हें पसंद है, सुख तुम्हारे साथ है, दुख भी तुम्हारे साथ है। और अभी जैसा आप लोगों ने कहा उसके आधार पे, तो फिर ये संभावना बनती है कि दुख का कारण भी आपके सामने हो तो आप सुखी हो सकते हो। ये बात पहले मैंने इतने स्पष्ट रूप से कभी नहीं कही, क्योंकि जिस बात को मैं कहता हूं वो मेरा अपना अनुभव है। एक दिन सचमुच में मैं बहुत परेशान था,
परेशान था क्योंकि मेरे को ऐसी खबर मिली कि उस खबर ने मेरे को परेशान कर दिया। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और परेशान हूं। और वो सारी बातें, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या, दादा दादा दादा, मन है ब्रम अपनी बैंड बजाने लगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी खबर मेरे को मिली मिली, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो हो गया। परंतु ये परेशानी जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या मैं महसूस करना चाहता हूं या नहीं, ये मैंने अपने आप से कहा, परेशान होना चाहता है तू या नहीं। तो अंदर से आवाज आई, क्या आवाज आई होगी, तुम वहां कैसे नहीं थे तो तुमको कैसे मालूम, वहां नहीं भी थे फिर भी तुमको मालूम है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं, परेशान तुम भी नहीं होना चाहते, मैं भी नहीं होना चाहता। तो वही बात हुई, ठीक उसी तरीके से मैंने कहा, हां तो भाई परेशान होने की क्या जरूरत है, काहे के लिए परेशान होता है, सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, सुख भी मेरे अंदर है, दुख भी मेरे अंदर है, परंतु मैं अपना संबंध दुख से नहीं सुख से बनाना चाहता हूं, मैं अपना संबंध अंधेरे से नहीं प्रकाश से बनाना चाहता हूं, मैं अपना संबंध मौत से नहीं जीवन से बनाना चाहता हूं। हम तो अपने जीवन में मौत को लिए फिरते हैं, जीवन हमको पता नहीं, श्वास की कदर नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना, इस जीवन को जीवन समझा, उस जीवन को सपना। भोए ते कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि दिए दिए में क्या क्या होता है, दिया तो बहुत जलाया होगा अपनी जिंदगी में, काफी बार जलाया होगा, पर कभी ध्यान दिया उस दिए में क्या डालते हैं, उस दिए में डालते हैं तेल या घी। जब तक उस दिए में तेल है, समझे मेरी बात, जब तक उस दिए में तेल है रुई नहीं जलेगी, तेल जलता रहे, परंतु जब वो तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, रुई राख हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि रुई नहीं जल रही है, तेल जल रहा है। मनुष्य के साथ भी यही बात, जब तक उसके हृदय में अगर मनुष्य के हृदय में यह हुआ दिया, तो यह तो हुआ मिट्टी का हिस्सा,
चेतना, चित्त जिसे कहते हैं चेतना, ये हम सब लोगों की रुई के समान समझो। और जब तक हृदय में वो हर्ष रूपी तेल है, जब तक हृदय में वो ज्ञान रूपी तेल है, जब तक उस हृदय में इस कृपा का एहसास है, जब तक इस हृदय में विश्वास है, तब तक ये रुई नहीं जलेगी। तब तक वो प्रकाश होता चले जाएगा। परंतु जिस दिन वो तेल खत्म हो गया, वो तेल खत्म हो गया, तो जो रुई है ये जल जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब तक उस दिए में तेल है तो आग उसमें निकल रही है, ज्वाला उसमें से निकल रही है, उसमें से प्रकाश हो रहा है, और जब वो तेल खत्म हो गया तो धीरे से वो ज्वाला समाप्त हो जाती है। मनुष्य में क्या यह संभव है कि चेतना होते हुए भी मनुष्य अचेत है? क्या यह संभव है? जागते हुए भी सोया हुआ है, जीते हुए भी मरा हुआ है, क्या यह संभव है? अगर तुमको इस चीज पे थोड़ा सा भी शक हो तो दुनिया की तरफ आंख करके देखो। जागते हुए लोग सोए हुए हैं, एक तरफ चेतना है, एक तरफ अचेत पड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है पर देख नहीं रहे हैं, सुनाई दे रहा है पर सुन नहीं रहे हैं, आवाज जरूर आ रही है पर बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बात करने में, वार्तालाप करने में लगे हुए हैं पर बोल कुछ नहीं रहे हैं, सब कुछ नहीं, वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, आवाज जरूर निकाल रहे हैं अपने मुंह से परंतु जो कह रहे हैं एक दूसरे को उसका कोई मायने नहीं, कोई लाभ नहीं। और हर रोज ये शब्द लोगों के मुंह से निकलेंगे जिनका कोई मतलब नहीं। सत्य और असत्य के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में जो लाइन है, जो जगह है, वो बहुत पतली है, मोटी नहीं है, बहुत पतली है। जब मनुष्य अपने को छोड़ के बाहर की तरफ सत्य की खोज करना शुरू करेगा तो उसको कभी सत्य मिल सकता है? कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे ही अंदर है, वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही अंदर है, वो भगवान जिसको तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे ही अंदर है, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे ही अंदर है, और उसी की वजह से तुम्हारे अंदर परमानंद बैठा हुआ है, परमानंद है। और जहां परमानंद है वहां अपार सुख है, अपार शांति है,
और उसको न जानना ही अपार दुख है। मनुष्य के लिए दुख की क्या परिभाषा है? सुख में न होना ही मनुष्य के लिए दुख है। कारण की वजह से नहीं, अगर तुम सुख में नहीं हो तो तुम दुखी हो, चाहे तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर है? यह नहीं है कि ज्ञानी का सिर बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी के कंधे बड़े हैं, ये नहीं है कि ज्ञानी का कद बड़ा है, ये नहीं है कि ज्ञानी का वजन कम है, ना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है। और जिसको जानना है, जिसको जानने से वो ज्ञानी बन सकता है, और जिसको न जानने से वो अज्ञानी है, वो चीज भी तुम्हारे ही अंदर है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब तुम जान जाओगे तुम दुख से बच जाओगे। यह है मेरा संदेश। क्योंकि मनुष्य जीवन है क्या? देखो, इस संसार के अंदर एक चीज बड़ी उल्टी हुई है, उल्टी होनी थी ऐसे और हो गई ऐसे। और वो क्या हो गई? कि ये जो पिंजड़ा है, सबको सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि पिंजड़ा बड़ा होना चाहिए चिड़िया से, है ना? नहीं तो चिड़िया पिंजड़े में फिट नहीं होगी, मालूम है ना। पर यहां उल्टी बात हो गई। क्या उल्टी बात हो गई? कि नाशवान के अंदर, नाशवान के अंदर अविनाशी बैठ गया। इसे कहते हैं चमत्कार। यह हुआ चमत्कार। इसे कहते हैं असली चमत्कार। इस छोटी सी चीज में ऐसी चीज बैठ गई जो अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो चीज इसमें बैठ गई जिसका अंत है। बड़ी चीज छोटी चीज में समा गई, अविनाशी नाशवान में बैठ गया थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। फिर होगा क्या? नाशवान नाश हो जाएगा और अविनाशी अविनाशी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब कुछ नहीं रहेगा। परंतु जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वास है, तब तक मनुष्य उस अविनाशी चीज का अनुभव कर सकता है। जब तक ये शरीर है तब तक ये आत्मा, ये चेतना सत्य में मिलेगी तो आनंद होगा, जो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा।
साँझ सवेरे तूने कहता आज नहीं कल जाना, साँझ सवेरे तूने कहता आज नहीं कल जाना, कौन कहे वो जो शक्ति है जो सबके हृदय में विराजमान है, जो हर एक कण कण में विराजमान है, जो रस्सी जब जली हुई नहीं है तो उसमें भी विराजमान है, और जब वो रस्सी जल के राख हो जाए तब भी वो उस रस्सी की राख में विराजमान है। तुम में विराजमान है, और जब तुम इस संसार से चले जाओगे तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी वो तुम्हारे शरीर में विराजमान है, और जब तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा तो जो तुम्हारी राख होगी वो उसमें भी विराजमान है, और जब तुम्हारी राख को बहा दिया जाएगा और जब वो तुम्हारी राख पानी से मिल जाएगी तो उसमें भी विराजमान है, क्योंकि वो पानी में विराजमान है। तो अगर तुमको गाड़ दिया गया और तुम सड़ गए तो जो तुम्हारा सड़ा हुआ हिस्सा है वो उसमें भी विराजमान है, और जिस मिट्टी से तुम बने वो उसमें पहले ही विराजमान था, और जब उस मिट्टी से तुम बने तो वो तुम्हें विराजमान है, और ऐसा कभी होगा नहीं कि तुम उससे कभी जुदा हो जाओ, क्योंकि तुम हो नहीं सकते। परंतु वो तब भी था जब तुम नहीं थे, वो तब भी था जब तुम हो, और वो तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे। तो जब ये है तो फिर चक्कर क्या है? मतलब जब ऐसा है तो सबकी चैन की बंसी बजनी चाहिए, नहीं? सबकी चैन की बंसी, कहां से आया ये गुस्सा, कहां से आया ये दुख, कहां से आई ये सारी चीजें? जानना न जानना इसका तो सवाल, जब वो है और रहेगा और उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते यहां मत आना, तो फिर ये सारा चक्कर क्या है? है क्यों कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, एक दायरा है, एक दुनिया है, इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में तुम रहते हो, इस दुनिया में अच्छी चीज भी होती है बुरी चीज भी होती है, इस दुनिया में ऐसी चीजें तुम करते हो जिससे तुमको खुशी होती है, और ऐसी चीज तुम अपनी इस दुनिया में करते हो जिससे तुमको दुख होता है। और वो जो सब जगह है उसकी अपनी अलग दुनिया है, और तुम चाहते हो कि वो जो सब जगह रहता है वो तुम्हारी दुनिया में आए। यही तो लोग कहते हैं भगवान अगर तू है, अगर तू है,
अगर तू है, अगर तू है, तो अपने आप को दिखा। मेरी दुनिया में आके प्रूव कर कि तू है। अगर तू है तो मेरे दुखों को दूर कर। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी दुनिया में हो। भगवान तू अगर कहीं स्थापित है तो अपने आप को हमारी दुनिया में स्थापित करके हमको बता। यहां सब गड़बड़ होती है। तुम अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो तुमको उसकी दुनिया में जाना पड़ेगा, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। क्या तुम उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो या नहीं? बस इतनी बात है कि वो कण कण में है, और क्योंकि वो कण कण में है वो तुम्हारे हृदय में भी है, और क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में है तुम जब तक जीवित हो तब तक उसका आनंद ले सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। लोग हैं स्वर्ग जाएंगे जी, स्वर्ग। तुम ये कह रहे हो कि वो नरक में नहीं है। वाह वाह, तो एक जगह है जहां वो नहीं है, नरक में नहीं है। और अगर वो नरक में है तो कैसा नरक? कैसा नरक? वही है जो ना आ सकता है ना जा सकता है, क्योंकि वो कहां से आएगा और कहां जाएगा। जहां जाएगा वहां भी वो है, जहां से आएगा वहां भी वो है, और जहां से वो आया है उसको छोड़ नहीं सकता, और जहां वो जाएगा वो पहले से ही है ही। और वेद शास्त्र ने क्या कहा है कि तुम उसको समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम उसको समझ नहीं सकते हो। तो टेढ़ी बात है, समझ नहीं सकते ना, ना। उसी को वो कुर्सी में भी है, वो कुर्सी में भी, और कोई कहे आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, हाँ वो मेरे नीचे भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां वो नहीं। पर अगर उसको जानना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, वो तुम्हारी दुनिया में नहीं आएगा। बाय द वे, तुम्हारी दुनिया जो मैंने शब्द कहा, ये बहुत बड़ा शब्द बन गया है तुम्हारे लिए, कि तुम बैठे बैठे वहां सोच रहे होगे जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। जब वो सब जगह है तो हमारी दुनिया में भी होगा। पर तुम्हारी दुनिया असली दुनिया नहीं है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों की दुनिया है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया है, और वो इस ख्याल की दुनिया से अलग है।
इसीलिए कहा इसको तुम अपने ख्यालों से नहीं पकड़ सकते, ख्यालों में नहीं है, कण कण में है, ख्यालों में नहीं है, कण कण में है, विचारों में नहीं, कण कण में है और तुम्हारे हृदय में, और हृदय में तुम इसका अनुभव कर सकते हो। यह है समझने की चीज, यह है जानने की चीज, यह है पहचानने की चीज। परंतु यह कल्पना की दुनिया से हटो, तुमको सच्चाई नजर आएगी। और सच्चाई क्या है? कि वो सारे संसार में है, हर एक कण कण में है, वो तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है। अब मेरे को नहीं मालूम ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, मेरे लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं उसका अनुभव कर सकता हूं। और ये जो छोटा सा समय मेरे को मिला है, इसको मैं सफल कर सकता हूं।